नमस्ते दीदी। अरे शीला और मोहन, नमस्ते भाई, नमस्ते। आओ बच्चों, बैठो, आओ बैठो। दीदी दीदी, बाजार से आप हमारा सामान ले आई है? सामान? ओ हाँ, ले आई भाई, ले आई। तो जल्दी दीजिए ना दीदी। मोहन को बहुत जल्दी है। अच्छा भाई, पहले ये सब सामान हटा दे, फिर आपका सामान देते हैं, है ना? ये रहा शीला और मोहन का सामान। ये रहा सारा सामान। और एक चीज और है भाई, ये सब मिल गया। ये रही शीला की किताब, और ये रही पेंसिल, ठीक। और ये रहा मोहन का रबर, और ये प्यारी प्यारी गेम। कैसा लगा सामान बच्चों तुम लोगों को? बहुत अच्छा दीदी। अच्छा लगा? हाँ दीदी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये सारा सामान, और मोहन तुम भी अपना सामान दो, अगर ये सारा सामान 8 रुपए का है, ठीक है, और दुकानदार को दिए मैंने 10 रुपए, तो बताओ कि दुकानदार मुझे कितने रुपए वापस करेगा? मोहन बताओ कितने रुपए देगा? दीदी 2 रुपए। बिल्कुल ठीक। शीला ये बताओ कि दुकानदार हमें 2 ही रुपए क्यों देगा? दीदी ये तो बताना बहुत आसान है। 10 में से 8 को घटा दो तो 2 बचा, तो दुकानदार आपको 2 ही रुपए तो वापस करेगा। बिल्कुल ठीक। और दुकानदार ने, जानती हो, मुझे 2 ही रुपए वापस किए हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ, अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे? शीला तुम बताओ। दीदी बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? दीदी 4 अंकों की बड़ी संख्या तो हमें नहीं बनानी आती। देखो बच्चों, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए हम अंकों को उनके घटते हुए क्रम में रखेंगे। यानी सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, और फिर सबसे छोटा अंक रखेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, और इन कार्ड्सों पे देखो सब पे अंक लिखे हुए हैं। दिख रहा है ना सब पे अंक? ये देखो सब पे अंक लिखे हुए हैं, ठीक। अच्छा शीला, अब एक काम करो, तुम अपनी पसंद के इनमें से कोई भी 4 कार्ड निकाल लो। कोई भी 4 कार्ड निकालो। दो और ले लो, कोई भी 2 और निकालो। और देखो ये सब है, ले लिया। अब मोहन तुम भी ऐसा करो, कोई 4 कार्ड तुम भी निकाल लो। एक और निकालो, और निकालो, एक और ले लो, ठीक। इसको हटा देते हैं। शीला अब तुम बताओ, तुम्हारे पास कौन कौन से अंक आए हैं? 1, 3, 6, 8। 8। अच्छा, अब इन 4 अंकों से कोशिश करो, अब बना सकती हो बड़े नंबर, बड़े अंक बनाओ। दीदी बड़े अंक तो हम नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे? अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, अब तुम इनको पकड़ो और मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। दीदी 8। ठीक। अच्छा, इसके बाद इससे छोटा अंक दो। 6 दिया। इससे छोटा अंक तो 3। उससे छोटा अंक 1। ठीक है। और जानती हो, ये जो संख्या बनी यही तो है तुम्हारी बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो शीला की बड़ी संख्या बन गई, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बन गई 8631। 8631। बिल्कुल ठीक, 8631। ठीक है शीला, चलो मोहन से पूछते हैं, है ना। मोहन जरा तुम अपने कार्ड्स दिखाओ, दिखाओ तो कौन कौन से कार्ड्स है तुम्हारे पास। 9। हाँ। 4। 4। 5। 5। और ये 2। 2। अच्छा मोहन, अब बताओ, अब तो तुमको भी समझ में आ गया ना कि बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। अब बताओ सबसे पहले हम कौन सा अंक लिखेंगे? पहले तो 9। पहले 9 लगा देते हैं, ठीक है, पहले लगा देते हैं, ठीक है। फिर उससे बड़ा अंक कौन सा है इनमें से, बताओ, बताओ इनमें से सबसे, इसके बाद कौन सा बड़ा अंक है?
पाँच, चलो उसके बाद पाँच लगा देते हैं। फिर उससे छोटा अंक कौन सा है? दो। उससे पाँच से छोटा अंक कौन सा है? चार। चार, हाँ, पाँच से छोटा अंक चार आ गया। और फिर आखिरी में कौन सा लगा देंगे? दो। उससे छोटा अंक दो। ठीक है, तो ये बन गई मोहन की चार अंकों की संख्या 9542। 9542, बिल्कुल ठीक। चलो अब एक कार्ड मोहन का भी बना लेते हैं। मोहन की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ये हो गई मोहन की बड़ी संख्या, हो गई 9542। ठीक है ना, दोनों लोगों की बन गई। हाँ दीदी। अच्छा, अब तुम लोगों ने बड़ी संख्या बनाना तो सीख लिया। शीला अब बताओ कि अगर हम इन्हीं कार्डों से, यानी कि चार नंबर के से अगर तुम छोटी संख्या बनानी हो तो क्या करोगी? छोटी संख्या? हाँ, अभी तो तुमने बड़ी बनाई थी। अब इन कार्डों से ये शीला बताओ, सबसे छोटा अंक तुम्हारे पास कौन सा है? एक दीदी। हाँ ठीक है, उससे बड़ा अंक कौन सा है? तीन। तीन है। उससे बड़ा अंक कौन सा है तुम्हारे पास? छः। छः, बिल्कुल ठीक। और उससे बड़ा अंक कौन सा है? आठ। आठ। और ये लो, बन गई तुम्हारी छोटी संख्या, बन गई ना? हाँ दीदी। तुम्हारा वाला जो ये कार्ड है ना, इस कार्ड में तुम्हारी छोटी संख्या भी लिख देते हैं, ठीक है ना? तो 1368। 1368। हाँ, 1368। ठीक है, ये तो हो गई शीला की छोटी संख्या। अब तो मोहन तुमको भी समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारे पास सबसे छोटा अंक कौन सा है? जल्दी से हमें दो सबसे छोटा। हाँ, दो। चार। फिर चार है उससे बड़ा अंक। फिर पाँच। बिल्कुल ठीक, उससे बड़ा अंक पाँच। और फिर नौ। फिर उससे बड़ा अंक नौ। ये देखो, बन गई ना मोहन की भी सबसे छोटी अंक संख्या हमारी 2459। 2459। हाँ, ये तुम्हारी छोटी संख्या हो गई। अब तो आ गया ना तुम लोगों को चार अंकों से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना? हाँ दीदी। अच्छा बच्चों, तो अब एक बात और बताओ कि इन अंकों को अगर घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, यानी कि चार अंकों को कैसे घटाएंगे? चार अंकों को दीदी, हाँ, कैसे घटाएंगे? इतनी बड़ी संख्या तो दीदी हम नहीं घटा पाएंगे। अच्छा चलो, हम सिखा देते हैं तुम्हें, ठीक है? हम चलो कोई एक इसमें यहाँ पे कोई एक वो ले लेते हैं, नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि ले लेते हैं तीन, ले लेते हैं, ठीक। फिर ले ली, चलो नौ ले लेते हैं, ठीक है। फिर छः ले लें, अब पाँच ले लें, चलो पाँच ले लेते हैं, ठीक। अब एक संख्या और लेनी पड़ेगी जो इसमें से घटानी है ना? तो चलो लेते हैं एक, फिर आठ ले लेते हैं, और ये हो गई एक संख्या और। अब हमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, ठीक है? अच्छा शीला, ये बताओ तुम्हें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो पता है ना? हाँ दीदी। पता है, तो चलो इसमें लिख देते हैं। ये तुम्हारा हो गया इकाई, ठीक, ये इकाई, और ये दहाई यहाँ लिख देते हैं, और ये सैकड़ा, और ये हजार, बिल्कुल ठीक। अच्छा शीला, जल्दी से बताओ इकाई के अंक पे कौन कौन से दो अंक लिखे हुए हैं? पाँच। बिल्कुल ठीक। और मोहन तुम बताओ दहाई के स्थान पे कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं? छह और एक। बिल्कुल ठीक। और सैकड़े पे कौन से लिखे हैं शीला? नौ और आठ। और हजार पे? तीन और एक। बिल्कुल ठीक। अब हम लोग यहाँ इसको घटाएंगे, इसके लिए ऐसे करके रेखा खींच देते हैं, ठीक है? और ये एक निशान लगाते हैं जिसको घटाने का निशान कहते हैं, पता है ना ये वाला निशान? हाँ, इसको घटाने का निशान कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पांच हमारा छोटा है ना, ऊपर का अंक छोटा है, और सात अंक बड़ा है ना, बड़ा। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम एक
उधार लेंगे, ठीक है ना। एक क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो जब एक उधार लिया तो एक और पांच मिलके बन गया 15, ठीक है। अब जल्दी से शीला बताओ, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचा, 8 बचेगा ना। हाँ दीदी। आया 8 बचा, ठीक। तो यहाँ लिख दिया 8, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि इसने एक इसको उधार दे दिया था, तो अब यहाँ पे कितना अंक रह गया? 5। हाँ सही कहा तुमने, 6 में से एक अंक उधार दिया तो 5 ही तो बचेगा, है ना। अब 5 में से एक को घटाया तो मोहन तुम बताओ कितना बचेगा? दीदी 4। बिल्कुल ठीक। अब 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सैकड़े में से सैकड़े को घटाना है हमें, है ना शीला। हाँ तो अब देखा हमने सैकड़े में हमारा ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो हमें उधार लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक। तो 9 में से 8 घटाया कितना बचेगा शीला? 1। बिल्कुल ठीक, 1 बचा, हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब मोहन तुम बताओ 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। बिल्कुल ठीक, 3 में से 1 घटाया तो बच गया 2। तो हमारा उत्तर आ गया 2148। 2148। बिल्कुल ठीक। अब आ गया घटाना। हाँ दीदी। देखो 4 अंकों के घटाने में तुमने क्या करा, सबसे पहले इकाई के अंक से इकाई को घटाया, फिर दहाई के अंक से दहाई को, फिर सैकड़े के अंक से सैकड़े को, और फिर हजार के अंक से हजार को घटाया, ठीक है ना। हाँ, अब समझ में आ गया? हाँ दीदी। तो अब एक काम करो, तुम्हारे नाम का हमने जो कार्ड बनाया था शीला, वो कार्ड में तुम जो ये नंबर हमने लिखे थे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखी थी ना, तुम इसे घटा के बताओ। और मोहन तुम्हारा भी तो एक कार्ड है ना, तो चलो तुम भी घटा के दिखाओ। ये लो, इसमें हम यहाँ भी एक रेखा खींच दे रहे हैं और ये हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, और अब इसको तुम भी घटाओ।